पिछले एक साल में पूरे भारत में 66 लाख क्राइम हुआ, रिपोर्टेड क्राइम, जिसको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया उसकी बात बता रहा हूं। 66 लाख क्राइम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्राइम क्यों बढ़ रहा है। भारत एक ऐसा देश था, बहुत पहले एक सिनेमा में गीत बना था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, है जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, जहां पे सत्य अहिंसा नियम धर्म हर कदम कदम पर डेरा लगा के बैठी रहती थी, है वो भारत देश था मेरा, है नहीं। थोड़ा गाना को थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है, वो था ऐसा देश, हमारा देश था ऐसा कभी, जहां के निवासी ऐसे थे, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, ताला नहीं लगाते थे, ऐसी स्थिति थी वो देश भारत। पूरे संसार को मार्गदर्शन देने वाला देश वो भारत था। आज उस भारत की क्या स्थिति है आप देखो, क्राइम में नंबर वन, करप्शन में नंबर वन, है रेप में नंबर वन, है जहां स्त्रियों को लक्ष्मी के समान पूजा किया था, जहां का संदेश है कि परदारिशु मातृवत है, जिस भारत भूमि का सिद्धांत है कि परदारिशु मातृवत, दूसरे की मां को पत्नी के समान, दूसरे की पत्नी को मां के समान देखो, वो संदेश कितना हाई प्रिंसिपल है वो भारत। ऐसा कैसे हो गया बताइए, कैसे हो गया ऐसा है? हाँ, सत्संग जाना छोड़ दिया, और जो सत्संग भी सत्संग नहीं रहा, सत्संग असत्संग हो गया, आज सत्संग भी बिजनेस हो गया। संत शुद्ध संत नहीं है, और थोड़े बहुत हैं भी तो लोग जाते नहीं, और अगर जाते भी हैं तो सुनते नहीं है, सत्संग में बैठ भी गए तो सुनेंगे नहीं, और सुन भी लिए तो अप्लाई नहीं करते, सुन लिए इस कान से और इस कान से निकाल दिए, बोले साधु से कुछ लेना नहीं चाहिए, है ना, उसको उतारते नहीं, ये कारण है कि सत्संग में लोगों का विश्वास उठ गया, और ये भी साजिश के तहत, संतों के प्रति लोगों के अंदर उस आस्था नहीं रही, क्योंकि संत सत्संग तब करेगा ना जब आस्था होगी सत्संग में, वो आस्था को ही नष्ट किया गया। कैसे नष्ट किया गया, कुछ तो संतों ने किया नष्ट अपने दुष्कर्म से, और कुछ जो बाकी बचा रह सह गया था वो मीडिया ने कर दिया, बॉलीवुड ने सिनेमा बनाकर, आश्रम जैसे सिनेमा बना के जो थोड़ा बहुत बच भी गया था उसको बॉलीवुड कर रही है, और बॉलीवुड सोच रही है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम एक्सपोज करके, समाज का सुधार कर रहे हैं, संतों में लोगों की आस्था को नष्ट कर देंगे तो समाज जो है वो में कोई क्राइम नहीं होगा,
सारे क्राइम संतों के कारण हो रहा है, तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अगर आपकी आंख में कैटरेक्ट हो जाए तो क्या करेंगे? कैटरेक्ट को ठीक करेंगे या आंख को निकाल देंगे? हैं, या आंख ही निकाल के फेंक देंगे? ना रहेगा आंख, ना होगा कैटरेक्ट। कितना बढ़िया उपाय है, हैं? बताओ, ठीक है? तो उसी तरह से अगर कोई संत जो है वो दुष्कर्म करता है तो उस संत को ठीक करना है, ना कि पूरे संत समाज को ही निकाल के फेंक दीजिए। पूरे संत समाज के कैरेक्टर को मलाइन करना, ये उसी तरह से है जैसे कि आंख में कैटरेक्ट हो तो आंख ही निकाल देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड दिस इज द अप्रोच व्हाट पीपल आर टेकिंग। तो वैसे भी लोग नास्तिक होते जा रहे हैं दिन पर दिन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के प्रभाव से नास्तिकता बढ़ रही है, और नास्तिकता के प्रभाव में लोग धर्म अध्यात्म संतों के संग नहीं करते। एक तो ये कारण है, और दूसरा संत भी जो है अपनी मर्यादा अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाते कलयुग के प्रभाव से, उसके कारण कुछ गिरावट। और जो थोड़ा बच गया वो बॉलीवुड की कृपा से नष्ट हो गया, और देखिए क्राइम बढ़ता जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।